हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का नाम दिया हमने एरर्स। इसका पहला लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप उसका पहला लेक्चर नहीं देख पाए हो तो जाके जरूर देख लो, क्योंकि मैं आज जो शुरू करने वाला हूँ ना, जो मैं आज शुरू करने वाला हूँ उसी से होकर के जाता है। अगर वह नहीं पढ़े हो तो बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं, तो जाके वहां से अच्छे समझ लो, फिर इसको पढ़ाई करना अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैंने कहा ना, विद्यार्थी अक्सर कहते हैं कि सर बहुत कठिन होता है, ऐसे वैसे जैसे, मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसा बहुत आसान होता है। तो इस बात को समझिए आप कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो, ताकि जो नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं पहुंच सके आप तक जल्दी से, आप पढ़ाई कर सको, समय आपका बेकार ना हो। तो आज हम बात करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। आज हम किस पर बात करेंगे? प्रोपगेशन ऑफ एरर्स पर बात करेंगे। तो कहोगे सर ये क्या होता है, प्रोपगेशन ऑफ एरर क्या होता है? हिंदी लिखा है मैंने त्रुटियों का संचरण, ठीक है ना। इसमें हमको जानते हो क्या सीखना है, मैं लिख देता हूं, मुझे यही सीखना है या तुमको सिखाना है, त्रुटियों को कैसे जोड़ा घटाया गुणा या भाग किया जाता है। जो त्रुटियां आपने देखी थी ना, प्लस माइनस 0.02 प्लस माइनस 0.01, उनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। बेहद खूबसूरत टॉपिक, बेहद अच्छा। आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करो, और पिछला लेक्चर अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो, सब समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसी में कुछ परिभाषाएं नई नई बनाएंगे, सब आपको आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि त्रुटियों को जोड़ा कैसे जाता है। त्रुटियों का जोड़ हमको सीखना है, त्रुटियों का जोड़, ठीक है ना। चलिए अब त्रुटियों को जोड़ते कैसे हैं, चलिए हम आपसे सीधे चर्चा करते हैं यहां पर। कि मान लो आपके पास एक ये आयत है और एक आयत ये है, आपके पास दो आयत है, ठीक है ना। मान लो इनका जो एरिया है A1, इनका एरिया A2, इनका एरिया मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मान लेते हैं इसका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका एरिया मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों का एरिया हो गया। अब हमने नापा तो पता चला कि कुछ एरर आ रहा है, निरपेक्ष त्रुटि तो होनी होनी है। निरपेक्ष त्रुटि मान लेते हैं प्लस माइनस 0.,  थोड़ा जगह बनाते हैं 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इनकी निरपेक्ष त्रुटि मान लेते हैं प्लस माइनस 0.02, थोड़ा बड़ा बनाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है या तो इतना आगे जा सकते हैं या इतना पीछे, या तो 0.02 ज्यादा हो सकता है तो कम हो सकता है। वही ना मैंने कहा था एग्जाम में कितना नंबर पाओगे तो कंफर्म कितना जानते ही हो, लेक्चर पाला नहीं देखे हो तो जाके देख के आओ। और देखो जरा A1 में भी कितना एरर है, यही निरपेक्ष त्रुटि होती है, आप जान रहे हो, यही तो हमारा क्या एब्सोल्यूट एरर है, इसी को आप ध्यान देते हो। तो डेल्टा यक्ष यही है, यही तो डेल्टा यक्स है, आपको बताया गया है निरपेक्ष त्रुटि में यही डेल्टा यक्स होता है, कम ज्यादा वाला, इतना एरर हो सकता है, मे बी पॉसिबल। और आपको ये बता दूं, आपेक्षिक जो होता है, आपेक्षिक त्रुटि के बारे में बता दूं तो क्या होता है, निरपेक्ष अपान यथार्थ, एक्यूरेट। अच्छे से आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अच्छे से आप देख पा रहे हो, आवाज भी सुन पा रहे हो अच्छे से, चलो आ जाओ देखते हैं फिर। अब मैंने कहा इनका एरिया A1, इनका एरिया A2, दोनों में एरर आपको दिख रहा है, दोनों में निरपेक्ष त्रुटियां हैं। मैंने कहा बताओ टोटल एरर कितना होगा, टोटल एरर विद टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा कि दोनों को जोड़ो यार, दोनों को जोड़ो, टोटल एरिया कितना होगा।
टोटल एरिया ए वन प्लस ए टू होगा, जोड़ो तो जोड़ लो और बताओ कि कितनी त्रुटि होगी उसमें, जोड़ के बताओ उसके ए, मतलब कि ये तो अलग से ए वन है अलग से ए टू है, दोनों को जोड़ो बताओ दोनों में त्रुटि कितनी है, जोड़ के बताओ अब। तो अब देखो जरा ए इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, अब ए वन की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 0.01 माइनस है, यहाँ प्लस माइनस है, और ए टू कितना है 6 प्लस माइनस 0.02, ठीक है ना, ये हमारा टोटल एरिया है, और ए वन प्लस ए टू इसमें भी एरर इसमें भी एरर, तो इसमें भी एरर आएगा ना, यानी कि ए प्लस डेल्टा ए इसमें भी एरर आएगा, वही कितना आएगा ही बताना है। मैंने प्रश्न में दिया है टोटल एरर बताओ विद टोटल एरिया, टोटल एरिया के साथ बताना है, टोटल एरिया के साथ टोटल एरर, तो पहले जोड़ लेते हैं टोटल एरिया, अब मिल जाएगा। अभी देखो जो एक्यूरेट वाला है इनको ऐड कर लो तुरंत, ये कितना हो जाएगा 6511 हो गया ना टोटल एरिया, और एरर कितना हो, एरर को हमेशा क्या करते हैं जोड़ते हैं, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, एरर यानी कि टोटल एरिया में जो एरर होगा यानी कि ए प्लस डेल्टा ए जो आएगा यही आएगा, ए प्लस टोटल एरिया वाला है ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक्यूरेट वाला 11 और हमने कहा कि टोटल एरर बताओ, टोटल एरर, टोटल एरर इन एरिया, तो आप देख रहे हो ना डेल्टा ए का मान कितना आ गया है प्लस माइनस 0.03, और अगर मैंने कहा टोटल एरर विद टोटल एरिया तब यह वाला हो जाएगा, अगर केवल टोटल एरर पूछ रहे हैं तो यह हो जाएगा, एरर को हमेशा जोड़ा जाता है, एक बात आप ध्यान दीजिएगा एरर को हमेशा जोड़ा जाता है। अब जैसे मैंने कहा ना, मान लो यह पेन है या दो पेन हमारे पास है, इसकी लंबाई मैंने मापी 5 और त्रुटि के साथ आ गई 5 प्लस माइनस 0.2 मान लो, इसको मेरे भाई ने मापा, इसका मापा 5 प्लस माइनस 0.1, दोनों ने मापा दोनों में एरर है, एरर दोनों में है, तो बताओ कि एरर कभी कम होगा क्या, अगर दोनों को जोड़ोगे तो कभी एरर कम होगा, गलती इसमें भी है गलती इसमें भी है, दोनों मिलाओगे तो गलती बड़ी होगी छोटी, गलती इसमें भी है गलती इसमें भी है, दोनों गलती को मिलाओगे तो गलती छोटी होगी अथवा बड़ी, तो कहोगे सर गलती गलती हमेशा बड़ी होगी, तो इसीलिए मैंने यहां पे आपको नोट भी करा देता हूं कि एरर हमेशा जोड़ा जाता है, एरर कभी घटाया नहीं जाता, तो आपको समझ में आ गया होगा त्रुटियों को जोड़, त्रुटियों का जोड़। अगर हमारे क्वेश्चन में क्या पूछेगा यार, हमारे क्वेश्चन में पूछ सकता है टोटल एरर बताओ, या तो टोटल एरर विद जो पूछा रहेगा उसके साथ बताओ, जब उसके साथ पूछा रहेगा तो ये अभी लेके बताएंगे, और टोटल एरर केवल पूछेगा तो केवल टोटल एरर को बताएंगे, इनका एरर जोड़ देंगे, बस सीधी सीधी बात, एड में क्या होगा कि पहले वाले का एरर दूसरे वाले के एरर में जोड़ देंगे, अगर तीन लोग होंगे तो तीनों को जोड़ देंगे, चार लोग होंगे तो चारों को जोड़ देंगे, पांच लोग होंगे पांचों को जोड़ देंगे, छह लोग होंगे छहों को जोड़ देंगे, आई बात समझ में, तो एरर जोड़ने आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत तो इसमें होगी नहीं, चलिए घटाना सीखते हैं अभी। अच्छा इसमें एक बात और आपको बता दें, चलिए अब लगे हाथ बता ही दें, फार्मूला तैयार करना चाहोगे, फार्मूला क्या लिखना है, तुम समझ रहे हो सब कुछ, तो फार्मूला लिखना कुछ है क्या, लिख भी सकते हो, मान लेते हैं मार्कर, मान लेते हैं मान लो यक्ष बराबर ए प्लस बी हो, ठीक है ना, अब इनमें एरर मान लो ए प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस, और इनका एरर मान लो बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और इन दोनों की वजह से इसमें भी एरर आएगा यक्ष प्लस माइनस डेल्टा यक्ष, तो प्लस माइनस डेल्टा यक्ष बराबर, केवल त्रुटि की बात कर रहे हैं ना, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हो ना, या तो उतना आगे या तो उतना पीछे, यही टोटल एरर होता है, टोटल एरर ओनली, यह केवल एरर है, अगर इनके साथ पूछ लेंगे तो जोड़ लिया जाएगा, क्या दिक्कत है उसी की तरह, ये फार्मूला आपको मिल गया ना। चलो अब कोई कहता है अच्छा इसका बताओ, एक बात अच्छी बात, कोई कहता है इसका बताओ आपेक्षिक त्रुटि कितना होगा, इन दो मतलब कि इस टोटल का इसका आपेक्षिक त्रुटि
बताओ कितनी होगी, बताओगे? तो अभी पीछे मैंने जो लेक्चर में बताया था 5 ± 0.02, तो यह क्या था? निरपेक्ष त्रुटि था, अब्सोल्यूट, और यह क्या था? एक्यूरेट वैल्यू था, यह एक्यूरेट था यानी कि यथार्थ मान था, और यह निरपेक्ष त्रुटि वहां पे होती थी, उसमें उतना आगे पीछे हो सकता है। यहां पे आपेक्षिक त्रुटि का फार्मूला हमने आपको बताया ना, निरपेक्ष त्रुटि बटे यथार्थ मान। क्योंकि अब इसका पूछ रहे हो तो इन दोनों के लिए है, इन दोनों के लिए है तो इन दोनों का एरर जोड़ना पड़ेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान टोटल यथार्थ मान, इनका भी और इनका भी, ए प्लस बी, ये हमारा हो गया। इसी को हम बोलते हैं अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, इसे हम क्या बोलते हैं? अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि। आई बात, इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट अनुमेय त्रुटि, इसका एक और नाम है अनुमेय त्रुटि। अनुमेय की इंग्लिश होती है परमिजिबल, PERMISSIBLE, परमिजिबल एरर। समझ गए हमारी बात ना? हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि यह तो अधिकतम त्रुटि हो गई। आसानी से समझने के लिए केवल त्रुटियों को जोड़ा जाता है, समझ गए आप? मैंने कहा बताओ इस टोटल में बताओ आपेक्षिक क्या होगा, तो आपने फार्मूला पढ़ा है आपेक्षिक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे यथार्थ मान, यही पढ़े हो ना? तो देखो अब चूंकि इन दोनों, इनका जो एरर का डिपेंडेशन है इन पे भी है इन पे भी है, तो टोटल निरपेक्ष त्रुटि इनका प्लस इनका बटे अब टोटल यथार्थ मान इनका इनका मान, ये हमारा क्या हो गया? अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि हो गया ना। यही परसेंटेज में निकालना हो तब परसेंटेज में अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बटे ए प्लस बी गुणे 100 परसेंटेज में, परसेंटेज में अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि या अनुमेय त्रुटि से कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हो जो रिजल्ट है, रिजल्ट यही तो रिजल्ट है, ए प्लस बी का रिजल्ट यही एक्स ही तो है, जो रिजल्ट है उसमें जो अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि होती है उसी को हम अनुमेय त्रुटि कहते हैं, वो चाहे माइनस वाला हो, चाहे प्लस वाला, चाहे गुणा वाला, चाहे भाग वाला। तो फार्मूला आपको समझ में आ गया नहीं आ गया? पहला लेक्चर अगर नहीं देख के आए हो तो पक्का नहीं समझ पाओगे, पहला लेक्चर जाके देखो निरपेक्ष त्रुटि होती क्या है, ठीक है ना, या फिर आपेक्षिक त्रुटि होती क्या है। तो आपेक्षिक मतलब क्या? निरपेक्ष बटे एक्यूरेट वाला मान, यथार्थ वाला मान। तो एक यहाँ पे दो लोग थे, दोनों को जोड़ना पड़ा, निरपेक्ष दोनों को जोड़ना पड़ा और बटे दोनों का यथार्थ मान, ये हमारा आपेक्षिक हो गया और टोटल परसेंटेज में आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम चलेंगे सबट्रैक्ट वाले पे, सबट्रैक्ट पे चलेंगे, फिर मल्टीप्लाई पे, फिर डिवाइड पे। फार्मूले आप जरूर नोट करो, अभी इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, सब कुछ जो बचा खुचा होगा 0.1% अभी क्लियर हो जाएगा, तो इनको इरेज करते हैं। इरेज करने से पहले एक बात हमारे दिमाग में और याद आ गई कि आप उसको भी जान लो, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि इसी का निकल रहा है ना, इसको भी ऐसे लिख सकते हो आप, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि मतलब क्या? इसका आपेक्षिक यानी कि डेल्टा एक्स बाई एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं, आपेक्षिक इसका भी तो होना चाहिए ना, तो मैंने केवल ए भी लिख, इसका संकेतन ऐसे होता है कि अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, यानी कि अधिकतम क्या? यही तो अधिकतम है, यही तो इनका अधिकतम त्रुटि है। तो ए हो गया डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, अब अधिकतम को लेकर के इनका भी देख रहे हो सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो अधिकतम त्रुटि कितनी हुई, अधिकतम त्रुटि कितनी हुई, तो आप क्या कहोगे? डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये अधिकतम है, दोनों को जोड़ दोगे अधिकतम त्रुटि निकल जाएगी, इनको जोड़ो इनको जोड़ो अधिकतम त्रुटि निकल गई, ये योगफल का पंडा पूरा खत्म। और जो योगफल का है वही हमारे माइनस वाला भी है, तो इसको अब इरेज करते, अब आगे देखते हैं। तो अगला स्टूडेंट है अंतर में त्रुटि, ठीक है ना। मान लेते हैं कि यक्ष कोई रिजल्ट है ए माइनस बी का, ठीक है ना, मान लो यक्ष कोई रिजल्ट है ए माइनस बी का, और ए में मान लो त्रुटि ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और माइनस बी में त्रुटि मान लेते हैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी,
ए हो गया, तब यक्ष में भी अब इन दोनों की वजह से इसमें भी त्रुटि आ जाएगी, यक्ष प्लस माइनस डेल्टा यक्ष। यह बात तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी, इनमें भी त्रुटि थी, इनमें भी त्रुटि थी, इसलिए रिजल्ट में त्रुटि आई। ए में त्रुटि थी, बी में त्रुटि थी, यानी कि इसमें भी त्रुटि थी, इसमें त्रुटि थी, इसलिए दोनों में त्रुटि मिला के इतना आ गया। चलो ठीक है, अब कह सकते हो यहीं से अधिकतम त्रुटि, अब सीधे बात करेंगे, चर्चा तो खत्म हो गई। अधिकतम त्रुटि यानी कि डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा ए, अब बता यहां पे कौन सी वैल्यू लगाऊं, प्लस की माइनस, वही तो मैं पूछ रहा हूं, यहां पे क्या लगाऊं, प्लस की माइनस। तो सोच रहे हो कि माइनस लगाएंगे ना, मैंने फिर वही कहा ना, जब त्रुटि इसमें भी है, त्रुटि इसमें भी है, तो कभी त्रुटि कम होगी, दोनों को जब कुछ भी करोगे त्रुटि बढ़ेगी हमेशा, क्योंकि त्रुटि दोनों में है। तो यहां पे मैंने नोट कराया था ना कि त्रुटियों को हमेशा जोड़ा जाता है, त्रुटियों को हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते। अधिकतम त्रुटि आपकी निकल गई, बड़े आराम से निकाल दिया हमने, अधिकतम त्रुटि निकाल दिया, कोई दिक्कत। ऐसे मान लो कि ये मान लो फिर हमारा कोई आयत है, इसका जो परिमाप है मान लेते हैं 5 ± 0.1 cm², और ये दूसरा वाला आयत है इसका मान लेते हैं 2 ± 0.3 cm². घबराइएगा मत, यहां भी वन नहीं कर लो आप, घबराइएगा मत। क्यों क्यों नहीं घबराना, क्योंकि अभी मैं एग्जांपल बढ़िया बढ़िया आपको दिखाता हूं। अब मैंने कहा इनके अंतर का त्रुटि बताओ, अंतर का तो अंत पर योगफल का बताओ, एडिशन का। तो कहोगे सर 5 × 2 = 7 या जोड़ लेंगे, या 0.8 × 2 हो जाएगा, ये लंबा मतलब कि परिमाप सहित हो गया, त्रुटि परिमाप सहित आ गया है, योगफल का हो गया। मैंने कहा सबट्रैक्ट का बताओ, सबट्रैक्ट का तो इसका कहोगे सर 5 से 2 गया 3 और त्रुटि नहीं घटाई जाएगी, केवल या तो जो यथार्थ मान है घटा लो, लेकिन त्रुटि कभी मत घटाना। देखो अधिकतम त्रुटि इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, और परिमाप सहित तो घटाना था, एक प्लस था तो प्लस में तो ये वाला ऐड होना होना है, परिमाप सहित ही आएगा, लेकिन त्रुटि चेंज हुई, त्रुटि वही है, प्लस माइनस में त्रुटि चेंज नहीं होती। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने कहा कि अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि निकालो, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि यानी कि अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, इनमें डेल्टा यक्ष निरपेक्ष, इनका निरपेक्ष बटे यथार्थ, यही है, यही निरपेक्ष होता है, यथार्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, यह निरपेक्ष है और यह क्या है, यथार्थ है, जो कंपनी वाला था हमारे पहले वाले लेक्चर के हिसाब से, इज इक्वल टू, अब चूंकि दो लोगों के सहारे बनाए तो डेल्टा ए इनकी त्रुटि, त्रुटि को हमेशा जोड़ेंगे और यहां पर लगा देंगे ए माइनस बी, क्योंकि अंतर का है ना, अंतर में यहां घटाना पड़ेगा, त्रुटि कोई रहेगी, त्रुटि ऑलवेज ऐड की जाती है, ये अंतर में आ जाएगा, परसेंटेज में कोई पूछता है तो यही हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज एरर है, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। तो अधिकतम त्रुटि चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, ऑलवेज आप क्या करोगे, ऐड करोगे, आपेक्षिक निकालने के लिए ऐड वाले में यहाँ पे ऐड होगा और सबट्रैक्ट वाले में आप क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, एग्जांपल भी आपने देख लिया, अधिकतम त्रुटि प्लस माइनस 0.2, यहाँ भी प्लस माइनस 0.2, अगर परिमाप सहित कहता है या कुछ भी जो दिया उसके सहित कहता है तो सहित मान लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो प्लस माइनस का ये फंडा बहुत अच्छे से समझ गया होगे। चलो आ जाइए बताओ, आपको बता दूं नोट, दो राशियों के, दो राशियों के दो लोग यानी कि ए और बी आ गए, योग अथवा अंतर में, दो राशियों के योग अथवा अंतर में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, दो राशियों के योग अथवा अंतर में, चाहे योग हो चाहे अंतर हो, अधिकतम जो निरपेक्ष त्रुटि होगी वह कितनी होगी, जो यहां पे इसके हिसाब से जो डेल्टा यक्स जो मैक्सिमम होगा, जानते हो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी,
दो राशियों के लिए, तीन हो जाए तो एक और जोड़ देंगे, चार और जोड़ देंगे, यही होता है और क्या। ये हो गया अधिकतम और न्यूनतम, अगर यही कह दे तो पहला हो गया। दूसरा मान लो न्यूनतम कह दे कि दो राशियों के योग अथवा अंतर में न्यूनतम निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि डेल्टा एक्स ए मिनिमम, तो क्या कहोगे, तो कहोगे डेल्टा ए डिफरेंस डेल्टा बी। डिफरेंस क्यों लगा दिया, जो बड़ा होगा छोटा वाला घटाया जाएगा, निरपेक्ष है ध्यान दीजिएगा, निरपेक्ष त्रुटि अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि ए न्यूनतम निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर है। यहाँ पे मैंने डिफरेंस का साइन लगाया है, क्यों, जो बड़ा होगा उसे छोटा वाला घटा देंगे, त्रुटि को हमेशा प्लस में लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा समझे जेना, अगर ए बड़ा होगा तो इसे घटाएंगे, बी बड़ा होगा तो बी से घटाएंगे, तो ये हो गया हमारा योगफल और अंतर का त्रुटि। इस पर हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर चलते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड पे, इसको इरेज करते हैं, समझ में आ तो आपके आपके आ ही गया होगा, और जो बचा खुचा होगा अभी एग्जाम्पल पूरा कर देता है, इनको इरेज करते हैं आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल, बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल देखते हैं, ताकि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो ही ना। मैंने क्वेश्चन लिखा है दो छड़ों की लंबाई क्रमशः 1.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर तथा 2.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर है, उनकी संयुक्त लंबाई अनुमेय त्रुटि सहित लिखो। मैंने कहा था ना संयुक्त लंबाई अनुमेय त्रुटि सहित लिखने के लिए कह रहे हैं। चलो हम कहेंगे संयुक्त लंबाई अनुमेय त्रुटि सहित, दोनों को जोड़ना है बस, संयुक्त मतलब जोड़ना है, 1.8 प्लस माइनस 0.2 और प्लस 2.3 प्लस माइनस 0.1, ये लंबाई जो है जोड़ लो बढ़िया वाला, 8 × 3 = 11, 2 × 3 = 4, और ये भी त्रुटि हमेशा जोड़ी जाती है 0.3 प्लस माइनस मीटर। आंसर आई बात समझ में ना, यही क्या है, यही मैक्सिमम त्रुटि है, यही क्या है मैक्सिमम एरर, इसी को चाहे अनुमेय कह लो चाहे कुछ भी कह लो, यही मैक्सिमम त्रुटि है। अभी कहोगे सर अपने अनुमेय त्रुटि की परिभाषा ऐसे लिखवाई थी, डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए प्लस बी, ऐसे ही कहोगे ना। तो अरे बच्चों आप ये भी जान लो, मैं जानता हूं आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, तो ये भी जान लो कि मैंने अधिकतम त्रुटि पहले बताई थी डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी जो इसमें अधिकतम त्रुटि है इनकी त्रुटि प्लस इनकी त्रुटि, यही अधिकतम त्रुटि है, और इन्हीं में हमने कहा दोनों पक्षों में एक्स से भाग दे दो, कोई गड़बड़ नहीं, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स, और हमको पहले ही पता था कि एक्स बराबर ए बी, हम तो पहले ए प्लस बी पहले ले चुके थे, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि अपने सुविधा के लिए डेल्टा ए और ए प्लस बी, तो यहीं से होकर आया है। तो अनुमेय त्रुटि यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है, अनुमेय त्रुटि जो मैक्सिमम त्रुटि हो, जो मैक्सिमम क्या हो त्रुटि हो, ठीक है ना, ऐसे भी निकाल सकते हो आपेक्षिक के संबंध में, ऐसे भी मतलब उसका परिभाषा बनेगा। अगर आपेक्षिक के बारे में बात करना है तो अनुमेय त्रुटि ऐसी बात करेगी, और आपेक्षिक की बात नहीं करना अधिकतम की बात करना है तो अनुमेय त्रुटि हमारा ऐसे बात करेगी कि जो टोटल त्रुटि होगी इनकी त्रुटि प्लस इनकी त्रुटि होगी। समझ में आ गया ना, तो देखो मैंने इनके इन्होंने क्या कहा, उनकी संयुक्त लंबाई अनुमेय त्रुटि सही, संयुक्त लंबाई तो यही हो गई और अनुमेय त्रुटि अधिकतम त्रुटि, आई बात समझ में ना। अनुमेय त्रुटि के बारे में ध्यान दीजिएगा, ये है सापेक्ष के लिए, और अधिकतम त्रुटि नहीं तो अनुमेय तो यही है, अधिकतम त्रुटि यानी कि अनुमेय त्रुटि आपेक्षिक के पदों में यह हो जाएगा और नहीं तो यही हो जाएगा। चलो यहां पे आ जाओ, अब एक द्रव को गर्म करने पर इसका ताप 20.0 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस से इतना हो जाता है, यहां से यहां बढ़ा ना, बढ़ गया, तो कह रहा है ताप में वृद्धि कितनी हुई। अरे भाई अब ताप में वृद्धि पूछ रहे हैं, ताप में वृद्धि तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, 30 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस माइनस 20.0 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, हुआ ना, तो ये तो पूरा पूरा घट जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस, ये घटेगा ना, ये घट में नहीं करता, एरर घटता नहीं है, ये 0.3 डिग्री सेल्सियस।
अधिकतम त्रुटि कितनी हो गई, यही अधिकतम त्रुटि हो गई, यही हो गया मैक्सिमम एरर, यही तो अधिकतम त्रुटि है। और ये अभी आपसे कह रहे हैं, और ये मैक्सिमम टेम्परेचर भी हमारा हो गया। मैक्सिमम का मतलब क्या, ये रिजल्टेंट का है, रिजल्ट आया है, आर ई एस यू एल टी, रिजल्ट आया है, ठीक है ना। अब चलो आ जाओ, कहता था अधिकतम संभावित परसेंटेज त्रुटि, परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर। तो आप जानते हो ना परसेंटेज एरर क्या होता है, फार्मूला मैंने बता दूं तो निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि बटे यथार्थ गुणे सौ, यही होता है ना लेक्चर नंबर फर्स्ट से। तो यहां पे निरपेक्ष कितना है, इसी के लिए बात करनी है हमको, इसी पे ना बात करनी है। यहां पे निरपेक्ष है 0.3 और इस निरपेक्ष के लिए यथार्थ है बटे 10, आई बात समझ में ना, इस निरपेक्ष के लिए यथार्थ तो यही है ना, 10 हो गया और गुणे सौ। या तो परिभाषा चलोगे तो परिभाषा मैंने पीछे लिखवाया था कि परसेंटेज एरर, पहले वाले में एरर प्लस दूसरे वाले में एरर, और घटाना है तो ए माइनस ए, यहाँ पे ए वाला चिन्ह लगा देना, जो बड़ा होगा उससे घटाया जाएगा, जो बड़ा होगा उससे घटाया जाएगा। यहाँ से करोगे तब भी वही आएगा, यहाँ से करोगे सीधे यही आएगा, ए आ जाएगा 10, ए आएगा 3% आंसर। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना, घटाना कहेगा तब भी इधर को जोड़ना है, परसेंटेज कहेगा तब भाई दोनों को जोड़ के, अगर प्लस है तो दोनों को जोड़ के गुणे सौ करेंगे, अगर घटाना वाला तो घटा के गुणा करेंगे। ध्यान देना यहाँ पे बड़े वाले से छोटा वाला घट रहा है, डिफरेंस है वो, तो ये तो बहुत आसान होता है। अब चलते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड पे देखते हैं, अनुमेय समझ में आया ना क्या होता है, अनुमेय का जगह हर बार अलग अलग कर सकते हैं। अगर आप इच्छिक के बारे में बात करेगा जैसे परसेंटेज के बारे में, तो वहीं से काम करना पड़ेगा, अगर परसेंटेज नहीं कहता है तो अनुमेय मतलब मैक्सिमम एरर का काम करेगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हमको लगे हम आपको समझाने में असमर्थ हो चुके हैं, जरूर लिखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो अब चलते हैं मल्टीप्लाई वाले पे, तो चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं अपने, मल्टीप्लीकेशन में त्रुटि, यानी कि एरर इन मल्टीप्लीकेशन, जब गुणा करने जाओगे तब त्रुटि कैसे निकालेगी, तब कैसे निकलेगी। गुणा में आप सपोज कर सकते हो कि जैसे एरिया निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रीथ गुणा हो गया ना, वहां पे त्रुटियां कैसे निकाले जाते हैं। तो मान लो हमारा यक्स इज इक्वल टू, ये तुम्हारा मान लो मेन टॉपिक है, यक्स का जो गुणनफल है ए बी के बराबर है, ठीक है ना, और ए वही एरिया ही मान के चल चलो ना, एरिया काम कर रहा है लेंथ है ब्रीथ का, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, यहां भी एरर है, और मल्टीप्लाई बाई बी प्लस माइनस डेल्टा भी, यहां भी एरर है, और इनकी वजह से एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यहां भी एरर हो गया। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए हो जाएगा ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी, तब यहां पे प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और यहां से क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए गुणे डेल्टा बी हो गया, और ये है एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। इसको चाहते हम तुरंत आपको याद करा देते, लेकिन आपको दिखा दे रियलिटी क्या है इसकी। अब देखो जरा, इनको नगण्य मान लेंगे, ए भी बहुत छोटा है, त्रुटि है ना एम, अरे भाई आप 0.01 में गुणा करोगे 0.01 का तो कितना आएगा, और छोटा आएगा यार, और छोटा आ जाएगा। इनको नेगलेक्ट कर देंगे, हम कहेंगे इसको हम क्या कहते हैं कि नगण्य ले लेते हैं, नगण्य, बहुत छोटा है कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो यक्ष प्लस माइनस डेल्टा यक्ष इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। इसके चैप्टर में कमेंट बॉक्स में आप पक्का लिखना कि समझ में आ गया जरूर, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा विद्यार्थी अक्सर कहते हैं, ऐसे देख के कहते हैं ना काफी कठिन है, लेकिन आपको कठिन लग रहा है क्या, कहीं पे कठिन नहीं तो पक्का लिखना, आप बता दे रहा हूं कोई भी हो। तो यहां पे इतना हो गया कह सकते हैं नहीं, चलो अब ये यक्ष ए बी के बराबर है, कट जाएगा, घटा दोगे खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां तो बराबर है ही, ए प्लस माइनस डेल्टा यक्ष इज इक्वल टू, ऐसे हो जाएगा
प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए हो जाएगा। नहीं, एक क्यों खत्म हो गया, क्योंकि मान लो इनको पकड़ के इधर लाए हो गए x माइनस ए बी और x चूंकि ए बी के बराबर ए बी माइनस ए बी जीरो हो जाएगा। यहां तक आपने बात पकड़ लिया, अभी कुछ निकला नहीं, अभी हम निकालने जा रहे हैं। अब हमने कह दिया अधिकतम त्रुटि, अब मान लो कि दोनों पक्षों में ए से भाग देने पर एक नहीं यहां पे यक्ष है, यक्ष से भाग दो यक्ष से, तो क्या पाओगे प्लस माइनस डेल्टा यक्ष बाई यक्ष इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी। इनको भी अलग से कर देते हैं, इनको भी अलग से कर देते हैं, अब इधर प्लस माइनस डेल्टा यक्ष बाई यक्ष हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी बटे यक्ष का मतलब कितना ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए यक्ष का मतलब कितना ए बी। अब यहां पे क्या देख रहे हो, ए से ए कट जाएगा बी से बी कट जाएगा, क्या आया आपका होगा सर डेल्टा यक्ष प्लस माइनस डेल्टा यक्ष बाई यक्ष इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वाला पहले लिख लो डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ये होता है गुणा में एरर होता है, यही अगर हम कहें यही अधिकतम त्रुटि देखो कितनी है, अधिकतम त्रुटि तो जानते हो क्या बोलोगे, तो माइनस हट जाएगा केवल प्लस हो जाएगा, यानी कि डेल्टा यक्ष बाई यक्ष इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। कोई दिक्कत आपको यहां तक? नहीं ना, बड़े आराम से। यही मैं कह रहा था कि मैं इसको शुरू में ही कह सकता था आपसे कि यक्ष बराबर ए बी है, तो त्रुटि निकालने के लिए डेल्टा यक्ष बाई यक्ष डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अगर मान लो सी लग गया तब आगे और एक जुट जाएगा और क्या, डेल्टा सी बाई सी। अगर डी लग गया तो गुणा के रूप में ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, इनका भी अपेक्षिक इनका अपेक्षिक प्लस इनका अपेक्षिक प्लस इनका अपेक्षिक सब देख रहे हो आप कैसे है। अधिकतम त्रुटि हो गई, मान लो परसेंटेज पूछ रहा हो परसेंटेज के लिए, तो इनका परसेंट यानी कि इनमें सौ का गुणा करना पड़ेगा बराबर एक्स और ए मल्टीप्लाई, ये ध्यान दीजिएगा ये परसेंटेज हो गया। अब इनमें भी अलग अलग करना पड़ेगा डेल्टा ए बाई ए, चाहे ऐसे कर लो डेल्टा बी बाई बी गुणे हंड्रेड आ जाएगा। आई बात समझ में, ए परसेंटेज एरर हो गया, परसेंटेज एरर इन एक्स, यक्ष में परसेंटेज एरर हमारा हो गया कितना परसेंटेज के जानते ही हो, ये तो दिख रहा है अपेक्षिक खुद है अपेक्षिकन दिख रहा है, तो गुणे सौ कर दिया और यह भी क्या कर दिया गुणे सौ कर दिया। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, इनको ऐसे भी कर सकते हो अलग अलग डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड परसेंट और प्लस डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड परसेंट। अच्छे से आपको दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, जरूर दिख रहा है, समझ रहे हो लैंग्वेज तो मैं बोल रहा हूं ना वहां पे समझ पा रहे हो, तो ए निकल गया बड़े आराम से। ए होता है मल्टीप्लीकेशन का एरर, तो आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मल्टीप्लीकेशन का एरर यही होता है अधिकतम त्रुटि डेल्टा एक्स वाई एक्स कुछ भी रहेगा, मान लो सी होता तो सी जोड़ देंगे, डी होता डी जोड़ देंगे गुणा के रूप में, तो समझ में आ गया ना। अब चलते हैं डिवाइड में, उसके बाद कुछ एग्जांपल टेकअप करते हैं, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो आ जाओ इसको देखते हैं, दो राशियों के भाग में त्रुटि कैसे निकाली जाती है। मान लो यक्ष इज इक्वल टू क्या हो ए बाई बी हो, ठीक वही काम जो मल्टीप्लाई में वही डिवाइड में होता है। प्रूफ क्या कराना है, ऐसे कह सकते हो कि अधिकतम त्रुटि डेल्टा यक्ष बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। डेल्टा बी की वैल्यू कहां से पाओगे यार, नापोगे तो आपको मिलेगा प्लस माइनस के रूप में वहां मिलेगा, ठीक है ना। मान लो आपको यक्ष बराबर मिल जाए बी सी बाई डी, ऐसे कुछ हो जाए तब बताओ, तब कहोगे अधिकतम त्रुटि क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत आराम से कहोगे डेल्टा यक्ष बाई यक्ष इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी। बी ऐसी है गुणा है तो बेटा ऐसे हो जाएगा डेल्टा सी बाई सी, और भाग वाला तो भी आके ही जुट जाएगा डेल्टा डी बाई डी, बस
ऐसे कोई भी हो, भाग वाला हो अभी ऐड होता चला जाएगा, गुड़ा वाला भी ऐड होता चला जाएगा। मान लो यक्ष बराबर ए बी सी हो तब डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी, ये अधिकतम त्रुटि है यही। और यही मान लो बटे डी कर दूं तो आगे डी लग जाएगा, और क्या ए होता है क्या अधिकतम त्रुटि होता है गुड़ा और भाग में। और आपके बुक के हिसाब से अगर चला जाए तो एक बात और बता दूं, दो राशियों के नोट करो, दो राशियों के गुणनफल या भागफल में अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक और निरपेक्ष समझिएगा, लिखो दो राशियों के गुणनफल या भागफल में अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, यह लिख लो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये पहला हो गया। दूसरा, दो राशियों के गुणनफल या भागफल में न्यूनतम आपेक्षिक त्रुटि, दो राशियों के गुणनफल या भागफल में न्यूनतम आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा ए बाई ए डिफरेंस डेल्टा बी बाई बी, जो बड़ा होगा घटा देंगे उससे, हो गया। भागफल वाला भी हो गया, जो भाग का कमाल है भाई गुणा का कमाल है, आप दोनों समझ गए हो बड़े अच्छे तरीके से। अब एक और टॉपिक उठाएंगे उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, इनको इरेज करें समझ में तो आपको आ ही गया होगा गुणा भाग का कमाल सब। अरे वाह, लेकिन कमेंट बॉक्स पक्का मत भूलिएगा ताकि लगे कि हाँ वास्तव में एरर आसान होता है। इनको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। तो हमारी ही अगली टॉपिक है छोटी सी पांचवी के रूप में, इसका नाम दे दिया गया है घात के कारण त्रुटि। प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, बचा पार केवल। पावर किसे कहते हो आप? ठीक है, मान लो एक्स इज इक्वल टू कोई रिजल्ट हो ए पी पावर एन, ए पी पावर मतलब ए गुड़े ए गुड़े ए गुड़े ए गुड़े, ऐसे कह सकते हो ना एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए कहां तक एन बार हो जाएगा। नहीं, फिर आप कहोगे कि डेल्टा यक्स बाई यक्स त्रुटि में, अधिकतम त्रुटि में गुणा है ना, तो क्या बोलोगे? कहोगे डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस, कितना प्लस करोगे बाबू? हम नहीं करेंगे, एन बार लिख दिया। नहीं, अरे मैंने बोला टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, तो टू मल्टीप्लाई बाई फाइव, इतना 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 एन, तो एन मल्टीप्लाई बाई इतना, यानी कि डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू एन डेल्टा ए बाई ए। अरे एन बार है ना, यही बात पांच बार थी तो पांच गुणे दो लिखा, और यही बात एन बार है तो एन गुणे इतना नहीं लिखेंगे। तो सीधे हम कहते हैं कि जो पावर होता है ना, अगर ए पे पावर एन है तो जो पावर होता है वो आके यहां लग जाता है एन, और ये डेल्टा ए बाई ए, ठीक है ना, ब्रैकेट है। मान लो ऐसे कोई दे दिया आपको यक्स इज इक्वल टू, मान लो कोई देता है ए का स्क्वायर बी पे फोर अपान मान लो सी पे थ्री, ऐसे कुछ आ गया तब बताओ, तो कहोगे सर डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, पावर है तो कोई बात नहीं टू डेल्टा ए बाई ए, प्लस है ये पावर है कोई बात नहीं फोर यहां लगा देंगे डेल्टा बी बाई बी, फिर मल्टीपल डिवाइड है वो अभी प्लस लग जाएगा थ्री और डेल्टा सी बाई सी, ऐसे कुछ भी होगा पावर के रूप में तो पावर बगल में गुणा हो जाएगा, बाकी सब वही प्रोसेस होता है। तो यहां तक कोई शिकायत आपको नहीं ना, सब खत्म हो गया। हम चलते हैं एक दो एग्जांपल करेंगे, उसके बाद वीडियो क्लोज करेंगे, फिर अगले वीडियो पे चलते हैं फिर, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स पक्का यूज करिएगा, बहुत मजेदार टॉपिक है जो बच्चों को, मतलब कि अगर आप बुक से पढ़ रहे होगे तो लग रहा होगा बहुत आएगा ही नहीं कभी, ऐसा लग रहा होगा नहीं, लेकिन बहुत आसान होता है। जब हम भी आपके कितने बड़े थे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता था, ठीक है ना, तो लगाते लगाते यहां तक आ गए कि आपको लगवा सके अच्छा खासा दिमाग, तुरंत लग जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इस वाले में आपको हमने परसेंटेज ही बताया था, परसेंटेज वही होता है, जैसे डेल्टा एक्स बाई अगर एक्स है, जैसे एक्स बराबर ए पावर एन है, एरर निकालना है तो डेल्टा एक्स बाई एक्स एन डेल्टा ए बाई ए ना, परसेंटेज निकालना होगा तो इसी में सब गुणा कर देंगे, ए परसेंटेज एरर हो जाएगा,
परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, एन डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100, यहां हटा दो, ठीक है ना, बस हो गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे, अच्छे खासे न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि मल्टीप्लाई पे बेस्ड होगा। एक आयत की लंबाई का चौड़ाई के मापन में, पहला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ले लिया हूं, घबराइएगा मत। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 3% व 2% है, ठीक है ना। प्रेक्षणों से, इन प्रेक्षणों से आयत के क्षेत्रफल की गणना में अधिकतम कितने परसेंट त्रुटि होगी। अच्छा सवाल है यार, देखो जरा, आपने पढ़ा है एरिया बराबर लेंथ बाई ब्रीथ, त्रुटि भी कितनी होगी, डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज का फॉर्मूला पता है कि इसका इतना परसेंट, इधर भी डेल्टा एल बाई एल गुड़े सौ, गुड़ा में जाके देखो अगर नियम कानून नहीं पढ़े हो तो, डेल्टा बी बाई बी गुड़े सौ। अब यह पूरा कितना है, लंबाई में 2% और इसमें कितना है 3%, टोटल कितना आएगा 5%। कोई दिक्कत, बस यही करना है, लंबाई में 2% था चौड़ाई में 3%, तो फार्मूला देख ही रहे हो बना कैसे, हो गया 5% आ गया टोटल। अजीब सा लगा क्वेश्चन, चलो एक आसान सा कर लेते हैं ना, एक आसान सा कर लो, चलो इनको इरेज कर दो, एक क्वेश्चन नहीं है समझिएगा, इनको मिटाते हैं, मतलब अब तो क्वेश्चन है ही। चलो मान लो एक आयत की लंबाई, क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं, 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, लंबाई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि बताओ एरिया में, एरिया में अधिकतम त्रुटि क्या होगी। तो आपने पढ़ा है ए बराबर एल गुड़े बी, त्रुटि के बारे में पढ़ा है, गुड़ा है तो हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। तेज तो नहीं चल रहा है ना, पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं। डेल्टा एल कितना होगा, या कोई भी पैमाना होगा तो इंच वाला है वही, मतलब इंच पटरी आपका, उसमें एक अल्पतमांक कितना होता है, कितना गलती हो सकता है, कहोगे सर 0.1 सेंटीमीटर, अल्पतमांक आपके इंच पटरी वाला अल्पतमांक, सबसे न्यूनतम दूरी जो माप सकते हो, तो डेल्टा इसका मान इतना और प्लस 50 हो गया, और प्लस, और डेल्टा बी का मान कितना है स्टूडेंट, यह अभी सेंटीमीटर में है तो यह अभी 0.1, दोनों हालांकि 0.1 ही होंगे, क्योंकि ये मतलब कि आपको यहाँ पे फील हो जाना चाहिए कि ये इंच पटरी आपकी स्केल से मापा गया है, और स्केल का अल्पतमांक आपका 0.1 होता है, तो 0.1 बाई 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 5 अपॉन 1000, यानी कि 0.007 डेल्टा ए बाई ए, इसका अधिकतम त्रुटि आ गया स्टूडेंट, समझ में आपको आ रहा है ना। अब मान लो परसेंटेज का पूछ देता, परसेंटेज एरर, तो कहोगे एक बार इसमें से गुणा करना पड़ेगा, डेल्टा एल बाई एल 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी गुणे 100, डेल्टा एल यानी कि 0.1 और एल का मान 50 है ना, वैल्यू रख दिया, हो गया ये हो जाएगा 20.2, ए 0.5, 0.7% एरिया में त्रुटि आएगी। यहीं सब गुणा कर सकते थे, हालांकि वही बात होती, यहीं सब गुणा कर तब भी हो जाता, तब भी हो जाता, सब गुणा करके देख लो ना, 0.7% ही आएगा, आई बात समझ में। इनको इरेज करते हैं, चलिए एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा, थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जा रहा है, 45 मिनट सेव हो रहा है, तो कहोगे सर बहुत देर करते हो, तो चलो यहाँ पे आ जाओ। मान लो ये हमारे पास कोई घनाभ है, मान लो क्यूबॉइड है, उसका जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ जो है 8 सेंटीमीटर, जो हाइट है वह मान लो 6 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना, उर्दू उर्दू लिखा रहा है क्या,
एल का मान 10 सेंटीमीटर, बी का मान 8 सेंटीमीटर, एच का मान है आपका, मार्कर चेंज करते हैं, 6 सेंटीमीटर। ओके, हमने कहा कि वॉल्यूम में बताओ कितना एरर आएगा, तो कहोगे वॉल्यूम बराबर एल बी एच होता है लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है ना, तो डेल्टा वी बाई वी, कहोगे डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी डेल्टा एच बाई एच। अरे वाह सर जी, अरे वाह। अब यहाँ पर देखो जरा, ये हो जाएगा डेल्टा एल 20 सेंटीमीटर है तो अल्पतमांक 0.1 बाई 10 प्लस 0.1 बाई 8 प्लस 0.1 बाई 6 आ गया, जोड़ लो तुरंत निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बच्चों, डेल्टा बी बाई भी निकल जाएगा फटाक से, जोड़ लोगे ठीक है ना। परसेंटेज क्या आएगा, यहाँ भी 100 गुणा, यहाँ भी 100 गुणा, यहाँ भी 100 गुणा, चाहे टोटल जोड़ के 100 को गुणा कर देंगे, टोटल को जोड़ के 100 गुणा कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, छोटा सा सर, छोटा छोटा बोल रहे हो लेकिन छोटा ले नहीं रहे हो, फंसा रहे हो हमको। लास्ट है, अब की बार लास्ट है, ध्यान से देखना, लास्ट है, सब हो जाएगा। मान लो कोई भी ए एलिमेंट है, ए बराबर मान लो ए स्क्वायर बी क्यूब रूट में सी डी, हमने कहा ए बी सी डी में क्रमश 1% 2% 3% 4% ठीक है ना, एरर है, तो बताओ टोटल ए में कितना एरर होगा। तो टोटल ए को पहले तोड़ेंगे, डेल्टा ए बाई ए बराबर गुणा भाग है ना, तो पावर लगा है तो 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी और प्लस ए रूट का मतलब 1/2 होता है। अरे भाई रूट में सी डी का मतलब सी डी पे पावर 1/2, सी पे पावर 1/2, डी पे पावर 1/2, वो भी यार क्या हो जाता है, गुणे लग जाएगा डेल्टा सी बाई सी प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी। अरे वाह सर जी, मजा आ गया। परसेंटेज क्या रहा है, तो डेल्टा ए बाई ए इनका परसेंटेज गुणे सौ करना ही पड़ेगा, अब सब में सौ गुणा करो, इनका भी परसेंटेज निकालना है। डेल्टा ए बाई ए गुणे सौ 3 डेल्टा बी बाई बी गुणे सौ 1/2 डेल्टा सी बाई सी गुणे सौ प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी गुणे सौ 2 गुणे इसका मान 1%, इसका मान 2%, 3%, इसका मान 4%। ये हो जाएगा 2 + 3 × 6 प्लस ये हो जाएगा 1.5 + 2 6 × 2 = 10 = 11 11.5%। आपकी बात, आपके दिमाग में बात घुसी हमारी, घुस गई ना, बस क्या परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं भाई, डेल्टा ए बाई ए में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 था तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, या 3 था तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 था तो 2 हो गया, 1/2 ये 3, बस क्या करना है देख लो, 6 × 8 × 10 = 11.5 ठीक है ना। इसी पे अपने वीडियो को हम क्लोज करते हैं, एक अच्छी टॉपिक समाप्त होती है, आगे हम मिलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर पे, सार्थक अंक पे, बहुत मजा आएगा। आपने क्लास 9th में पढ़ा था ना, समझ में नहीं आया था कुछ भी हमको बताया आपको, चलो आज बताया ये आपको सार्थक अंक अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कमेंट जरूर करो, ताकि हम समझ सकें कि अपने स्टूडेंट को हम अच्छे से बता सकें ठीक है ना। तो इनको इरेज करते हैं, फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए ना कुछ नहीं, ऑल द बेस्ट।